नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया। उन्हें मुखाग्नि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने दी। लता मंगेशकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि लता जी के अंतिम संस्कार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सहित बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सितारे भी लता जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सुपरस्टार शाहरुख खान, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर सहित कई बॉलीवुड सितारे भी शिवाजी पार्क में नजर आए। इससे पहले लता जी की अंतिम यात्रा में उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनकी अंतिम यात्रा में फैंस के साथ साथ लगभग सभी सितारे भी शामिल हुए थे। बता दें कि लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। लता मंगेशकर 28 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान उन्हें कई बार जनरल वार्ड और आईसीयू में रखा गया। कुछ दिनों पहले उन्हें आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन बीते दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।